अब हम बात करते हैं इस लैपटॉप में प्रॉब्लम क्या आ रही है। प्रॉब्लम की यदि हम इसमें बात करें, आप देखोगे हम ऑन करते हैं इसमें, इसके वैसे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ये इसकी स्क्रीन ब्रेक हो गई है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली NCR का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर्स। आज ही हमारे पास एक लैपटॉप आया है, आइडिया पैड गेमिंग ये है। इसके मॉडल की यदि हम बात करें तो आइडिया पैड ये गेमिंग 3 के नाम से, जैसा स्लिम लैपटॉप आते हैं आइडिया पैड के, आपका ये 340 तरह के आते हैं, तो ये गेमिंग में मशीन बनाई है। आइडिया पैड की जो सीरीज आई है ये गेमिंग में आई है। इसकी यदि हम बात करें इसमें क्या है, इसमें i7 का 10th जनरेशन प्रोसेसर है, 4GB का इसमें ग्राफिक कार्ड है, 1650 इसमें ग्राफिक कार्ड होता है, 16GB इसमें रैम है और IPS स्क्रीन आप देखोंगे इसकी IPS स्क्रीन लगी हुई है, फुल HD स्क्रीन इसमें लगी हुई है। यदि हम इसमें बात करें काम की तो आप क्या क्या काम कर सकते हो, हम इसमें हैवी गेमिंग भी कर सकते हैं, 3D मैक्स का भी काम कर सकते हैं, ऑटो रेंडरिंग ऑटो कैड वगैरह भी चला सकते हैं, और 3D मैक्स में जैसा रेंडरिंग वगैरह होती है उसके लिए ये बहुत अच्छा लैपटॉप माना जाता है। बात गेमिंग की करते हैं, गेमिंग में आप हम नॉर्मल जो गेम खेलते हैं, ग्राफिक वाले जो गेम होते हैं 4GB तक जो सपोर्ट करते हैं उसमें हम इसे खेल सकते हैं। जो हैवी ग्राफिक के गेम होते हैं वो इसमें नहीं चल पाएंगे, लैग करेगा। SSD इसमें 512GB SSD के साथ ये लैपटॉप है। और हम यदि इसकी ओवरऑल बात करें, इसमें RGB का ये कलर का कीबोर्ड दिया हुआ है, कीबोर्ड वगैरह भी लुकिंग वाइज भी अच्छा है और परफॉर्मेंस वाइज भी ये लैपटॉप बड़ा अच्छा होता है। और अब हम इसमें बात करते हैं कि इसमें और क्या क्या होता है, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं इसमें सी टाइप का पोर्ट होता है, USB एक इधर है एक उस साइड है, HDMI पोर्ट है, LAN पोर्ट है, USB इसमें चार्जिंग जो दी हुई है ये USB चार्जिंग दी हुई है, ये आपका 120 वाट का इसमें चार्जर लगता है USB वाला। इधर हम यदि बात करें तो ये एक इसमें एक यहाँ USB पोर्ट इधर दिया हुआ है। फैन की यदि हम बात करें, ये डबल फैन में लैपटॉप आता है, कूलिंग पे इसमें जो थर्मल पेस्ट होता है हैवी वाला इसमें लगता है, कूलिंग के लिए इसमें दो फैन लगे हुए होते हैं, तो थोड़ा सा हीटिंग तो होगी मशीन में क्योंकि हमारी ग्राफिक कार्ड लगा होता है जिस वजह से हमारी मशीन हीट होती है। हैवी काम यदि हम करते हैं, गेमिंग वगैरह यदि हम करते हैं या हम इसमें ग्राफिक का कोई काम करते हैं जैसा ऑटो कैड वगैरह पे काम करते हैं तो थोड़ी बहुत हीट मशीन होगी, इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके स्क्रीन की, स्क्रीन ये सपोर्ट करता है रेजुलेशन इसका 1900x1080 मतलब फुल HD ये स्क्रीन है इसकी। अब हम बात करते हैं इस लैपटॉप में प्रॉब्लम क्या आ रही है। प्रॉब्लम की यदि हम इसमें बात करें, आप देखोगे हम ऑन करते हैं इसमें, इसके वैसे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ये इसकी स्क्रीन ब्रेक हो गई है। स्क्रीन कैसे ब्रेक हुई है हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि लैपटॉप की जो स्क्रीन होती है, आजकल जो स्क्रीन आ रही है ये पेपर LED जो हुई है, IPS स्क्रीन जो हुई है ये बड़ी ही बहुत ही नाजुक, हम इसको कह सकते हैं थोड़ा भी प्रेशर पड़ता है तो ये हमारा लिक्विड फैल जाता है इसका। तो जैसा कि हमें बताया गया है, इसमें जो यूजर था इसका उसने बताया कि हेडफोन रख के छोड़ दिया था और इसको बंद कर दिया था, जिस वजह से आप देखोगे यहाँ पे इसके क्रैक आया है, यहाँ पे इसका प्रेशर पड़ा है और ये हमारा पूरा लिक्विड डैमेज हो गया है, ये इसमें प्रॉब्लम आई है। तो हम आपको एक सजेशन देते हैं, यदि आप लैपटॉप यूजर हो और ज्यादा यूज करते हो तो आप ये ऐसी चीजों से बच के रहें कि जैसा पानी की बोतल साइड में छोड़ दी है, दूध दूध आप यूज कर रहे हैं, लिक्विड आप लैपटॉप के आसपास ना रखें, हेडफोन वगैरह पेन वगैरह इस टाइप की चीजें लैपटॉप के ऊपर मत रखें। लैपटॉप के आसपास रख सकते हैं पर लैपटॉप के ऊपर नहीं रखते, ऊपर क्या करता है बंदा रख के छोड़ देता है और फिर क्या करता है भूल जाता है और मशीन बंद करता है, जिस प्रकार ये प्रॉब्लम आने के चांस रहते हैं। हमें ऐसे बहुत ही ज्यादा ये दिक्कत बताई गई है कि भाई इसमें इसके पेन छूट गया था, इसमें हेडफोन छूट गया था, इसमें कुछ ऐसा रह गया था जिस वजह से ये स्क्रीन उठती थी, कोई बंदा बताता है कि पकड़ के ऐसे उठा लिया, तो ये इस चीजें भी बच के रहने के लिए हमें कि केयर हो जाए लैपटॉप की स्क्रीन की, उसके लिए यही है कि आप यूज करें तो इस टाइप से लैपटॉप को उठा के यूज करें, ना कि ऐसे कुछ बंदे होते हैं कैसे ऐसे पकड़ के उठा लेते हैं, ऐसे पकड़ के उठा लेते हैं तो इन चीजों से भी हमारी स्क्रीन ब्रेक होने का चांस रहता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। अब हम इसमें आपको दिखाते हैं कि स्क्रीन कैसे चेंज करते हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। और अगर आपके लैपटॉप में भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। हम आपको एक सलाह और देना चाहते हैं कि लैपटॉप बहुत ही महंगे आते हैं और आप इसको किसी ऐसे वैसे लोकल सर्विस सेंटर पर मत दिखाओ, क्योंकि ये आपके लैपटॉप को और ज़्यादा ख़राब कर सकते हैं।